इस टाइम गदर 2 चल रही तहलका मचा रही बॉक्स ऑफिस पे। जिस तरह से कलेक्शंस आ रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी मज़ा आ रहा है बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि जिस तरह से भीड़ उमड़ी है बॉक्स ऑफिस पे वो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्योंकि ऐसा दूसरी बार हुआ, जो पहली बार हुआ था पठान के टाइम में, जो इस तरह से भीड़ दर्शक उभरी थी थिएटर में, जो डांस हुआ था वो मज़ा आया था देखने में। लेकिन यहाँ पे गदर 2 ने जो मचा है बवाल वो भाई काबिले तारीफ़ है, क्योंकि पहले दिन का जो कलेक्शन आया है वो था 40 करोड़, दूसरे दिन 43 करोड़, फिर तीसरे दिन था 51 करोड़, फिर चौथे दिन उसने फिर 38 करोड़, फिर पांचवें दिन जो 15 अगस्त के पाया 55 करोड़, वो भाई रिकॉर्ड बना दिया, अलग ही लेवल सेट कर दिया। क्योंकि अब तक की जो 15 अगस्त जितनी मूवी आई थी सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए यहाँ पे सनी पाजी ने, और फिर उन्होंने 55 करोड़ जो कलेक्शन मारा वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो लोगों को इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इंडिया में काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला इस मूवी को। और अगर बात करते हैं इसके छठे दिन का कलेक्शन का, वो भी 34 करोड़ 30 प्लस रहा, वो भी काबिल तारीफ रहा, क्योंकि जिस तरह से इसको प्यार मिल रहा, किसी ने इसको ऐसा सोचा नहीं था, लोगों को सोची थी उस तरह से उनको मिली है, उनको मज़ा रहा देखने पे, और कलेक्शन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, और छठे दिन भी इसका कलेक्शन बढ़ गया। तो अब तक के 6 दिन का जो कलेक्शन आया वो हो गया 261 करोड़ पूरा नेट इंडिया का कलेक्शन। अगर बात की ओवरसीज़ में, तो यहाँ पर गदर 2 ओवरसीज़ में काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है, क्योंकि देश विदेश में ये इसका बहुत ही ख़राब प्रदर्शन रहा है, जो कि सिर्फ 30 करोड़ आया है वर्ल्ड वाइड। बात करें अगर देश भर में, तो इसका 30 करोड़ कलेक्शन आया, जो कि इसको मिला के 300 करोड़ पार हो चुका है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में इसको ज़बरदस्त प्यार मिला है, अपने भारत में इसको काफ़ी पसंद किया गया है, लेकिन अगर दुनिया भर में देखें तो ये मूवी वहाँ पे फ्लॉप साबित हुई है, क्योंकि सिर्फ 30 करोड़ कलेक्शन आया है। और जो लोग इस मूवी को कंपेयर करते हैं पठान से, तो उसकी अगर बात करें तो उसका लाइफ टाइम जो कलेक्शन था वो 524 करोड़ था। तो क्या ये पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी इस जिस हिसाब से स्पीड चल रही है, अगर ऐसे ही रहा तो पठान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अगर यहाँ पे डाउन होता गया तो मुश्किल लगता है। अगर बात करें पठान की ओवरसीज कलेक्शन के बारे में, अगर बात करूँ 6 दिन की अगर बात करूँ ओवरसीज कलेक्शन के बारे में, तो पठान का 207 करोड़ कलेक्शन था देश भर में। तो उसका कंपेयर टच करना, क्योंकि शाहरुख खान के फैन बाहर बहुत ज़्यादा हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सनी पाजी की अगर देखें तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मूवी जिस हिसाब से यहाँ के लोग पसंद कर रहे हैं तो उनके लिए भाई ज़बरदस्त है। और ये मूवी उस लेवल की नहीं बनी कि दुनिया भर में इसको प्यार करें, क्योंकि इतनी भी अच्छी नहीं बनी है। हाँ, एक लोगों का एक गदर का क्रेज़ था, टचअप था, इमोशन था, क्योंकि हम लोगों ने जब सब मूवीज़ को देखी थी तब मैं काफ़ी छोटा था, लेकिन आज भी जब टीवी पे आती थी तो पूरी ही ख़त्म करके उठते थे। लेकिन गदर 2 में ये कमी कि उसको दोबारा हम लोग नहीं देख सकते, वन टाइम वॉचेबल है, लेकिन गदर 1 को हम बार बार देख सकते हैं। तो ये कंपेरिजन था, तो ये चीज़ माइनस पॉइंट था गदर 2 में, क्योंकि वन टाइम वॉचेबल है। इस वजह से अगर पठान के देखें लाइफ टाइम कलेक्शन ओवरसीज़ का, तो 392 करोड़ था जो देश भर में था, तो उसको मिला के 1034 करोड़ कलेक्शन हुआ था। तो देखते हैं अभी गदर 2 क्या 1000 क्रॉस कर पाएगी, या ऐसे 700-800 करोड़ में ही सिमट जाएगी, तो ये देखने वाली बात होगी। तो लोगों का कहना है कि 2000 तक टच कर सकती है, अब देखते हैं क्या होता रिजल्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।